सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन से दोस्ती में आए दरार के लिए रेखा को बताया था जिम्मेदार, जानिए क्या थी वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने सितारे अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने एक साथ कई सारी फिल्में की हैं, जिनके अंदर दोस्ताना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में भी हैं। जहां पर्दे पर दोनों की दोस्ती हिट हुआ करती थी, वहीं रियल लाइफ में भी दोनों की दोस्ती के चर्चे अक्सर ही हुआ करते थे। दोनों के बीच पक्की वाली दोस्ती हुआ करती थी। अक्सर ही दोनों को पार्टी और चैट शो में साथ साथ देखा जाता था। वहीं दोनों एक साथ सबसे पुराने किस्से सुनाते नजर आया करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा भी समय आया जब किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और उनकी पक्की वाली दोस्ती में भी खटास आ गई। वहीं दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे, जिसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनेत्री रेखा को जिम्मेदार ठहराया था। तो ये जान लेते हैं ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण दोनों की दोस्ती के बीच में खटास आ गई थी। दरअसल इस बात का खुलासा शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में किया है। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिसके दो मुख्य कारण थे। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में बताया है कि उस समय पहली समस्या तो यह थी कि मेरे प्रदर्शन के लिए मुझे जो वाहवाही मिल रही थी, जिसे देखकर अमिताभ मुझे अपनी कुछ फिल्मों में नहीं चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई फिल्मों को साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिया था। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा अपने और अमिताभ बच्चन के बीच आई दरार की वजह अभिनेत्री रेखा को भी मानते हैं। अपने इस किताब में उन्होंने बताया है कि फिल्म काला पत्थर के दौरान एक अभिनेत्री अमिताभ बच्चन से बहुत घूमने मिलने की वजह से सुर्खियों में थी। वह उनसे मिलने आया करती थी और दोस्ताना के समय में भी आया करती थी। वहीं किताब में यह बताया गया है कि अमिताभ बच्चन ने किसी का परिचय उस अभिनेत्री से नहीं करवाया था। शोबिज में हर कोई जानता था कि कौन किससे मिलने आ रहा है। मीडिया को तुरंत मालूम चल गया कि रीना मेकअप रूम में है या नहीं। इस तरीके की चीजें हमारी दुनिया में कभी भी छिपी नहीं हो सकती। इस वजह से दोनों की दोस्ती में खटास आई और दोनों ने आपस में बातचीत तक करना बंद कर दी थी।